नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री अक्षय ज्योतिष दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित अमित भूषण। साथियों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है चंद्र ग्रह, यानी कि वैशाख शुक्ल पूर्णिमा दिनांक 5 मई को जो ग्रहण होने जा रहा है, वह ग्रहण क्या भारत में दिखाई देगा, उसका सूतक, उसका समय क्या होगा। अगर भारत में दिखाई नहीं देगा तो ऐसा कौन सा ग्रहण है जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो साथियों, आपको मैं बताने वाला हूं कि इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, वो एक उपछाया ग्रहण है, यानी कि जो चंद्रमा है वो धुंधला होता दिखाई देगा। तो ऐसे ग्रहण को शास्त्र में ग्रहण की मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इस ग्रहण का यम, नियम, सूतक, दान, पुण्य इत्यादि कुछ भी मान्य नहीं होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर आप निश्चिंत रहें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह ग्रहण है या नहीं है, क्या समय है, तो इस विषय पर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ग्रहण मान्य ही नहीं है भारत के अंदर, किसी भी जगह मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें चंद्रमा धुंधला होता हुआ दिखाई देगा, ग्रहण के जैसा नहीं होगा, चंद्रमा ग्रसित नहीं होगा, सिर्फ एक छाया के रूप में चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ेगी, तो ये ग्रहण मान्य नहीं रहेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, और जो दैनिक कार्य है, नित्य कर्म आप जो करते हैं, भगवान की आरती है, पूजा है, भोजन है इत्यादि, जो जैसे करते हैं वैसे करते रहें, इसमें सूतक मान्य नहीं होगा, तो ये भी चिंता नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए और ग्रहण की चिंता न करें, और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उनके जो मन में शंका है ग्रहण से संबंधित वो दूर हो जाए। तो साथियों, यही जानकारी है, इसलिए हमारे भारत में या किसी भी जगह यह ग्रहण मान्य नहीं रहेगा। शास्त्रों का ये नियम है कि उपछाया ग्रहण जो होता है उसका यम, नियम, स्नान, दान, पुण्य इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप निश्चिंत रहें और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहें, खूब आनंद से रहें, यही आशीर्वाद है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।